राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर, प्रांत संगठन मंत्री विनोद सूद, कोषाध्यक्ष श्री यशवंत, जिला प्रधान शिमला जितेंद्र थापा, महामंत्री श्री संजीव कुमार, CNV स्वर्ग के उपाध्यक्ष तीर्थानंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जयशंकर ठाकुर ने शिमला में संयुक्त वार्ता में प्रेस 4 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश के यशस्वी एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जारी बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा ऊना जिला में आयोजित चतुर्थ प्रांत अधिवेशन में सौंपे गए 42 सूत्री आग्रह पत्र तथा मंडी के कंसा चौक में आयोजित पंचम प्रांतीय अधिवेशन में सौंपे गए शेष बची मांगों हेतु 14 सूत्री आग्रह पत्र में से अधिकतर मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, शासन प्रशासन और शिक्षा विभाग के सभी सहयोगी अधिकारियों तथा मित्रों का आभार प्रकट किया है। मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, और यहाँ आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व हिमाचल शिक्षक महासंघ की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, मुख्य सचिव जी का, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशकों का इस मंच से आभार करने हम आए हैं कि हमारा जो ये 16 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से 12 मांगे सरकार ने मान ली हैं, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार। उसमें SMC के लिए स्थायी नीति की बात, भाषा अध्यापकों शास्त्रियों के लिए TGT का दर्जा और 2010 से पहले नियुक्त TGT के लिए ऑप्शन बहाल करना, JBT अध्यापकों, CNB अध्यापकों के लिए अंतर जिला स्थान पॉलिसी का लाना और 2016 के बाद सभी प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापकों को नियमित करना और नए वेतनमानों को लागू करना, प्रवक्ता न्यू के स्थान प्रवक्ता पद बहाल करना, अनुबंध काल को 2 वर्ष करना, टैट की वैधता आजीवन करना, ACR को ऑनलाइन करना, ऐसे जो अपने 12 मुद्दे हल हुए उनका आभार प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। इस मंच से मैं सरकार का बहुत बहुत आभार करता हूँ और जो विषय रह गए हैं उनका भी हम चर्चा के द्वारा अति शीघ्र समाधान करने में सफल होंगे, ऐसा हमारे शिक्षक महासंघ का मानना है। बिल्कुल, राइडर पे हमारी बहुत सी वार्ताएं सरकार से हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री से हो चुकी है और उन्होंने माना है, द्वारा चर्चा करेंगे और इसको हम हल कराने में सफल होंगे। OPS का जैसे मैंने कहा पहले भी कि केंद्र सरकार के साथ भी और हिमाचल सरकार के साथ भी कई बार हमारी वार्ता हो गई है और द्वारा हम वार्ता के लिए बैठेंगे और मैं दावे से कह सकता हूँ OPS का मसला वार्ता के द्वारा हम हल कराने में सफल होंगे और आगे के लिए हमारा ये पहले नंबर का यही मसला रहेगा।